नोएडा एयरपोर्ट लेटेस्ट न्यूज इन हिंदी टुडे क्या है? जेवर एयरपोर्ट के दूसरे फेज के काम पर क्या है अपडेट? यूपी सरकार ने एयरपोर्ट की जमीन पर दी कैसी छूट? नोएडा अथॉरिटी एयरपोर्ट के लिए देगी कितने हजार करोड़ रुपए? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जेवर एयरपोर्ट की लेटेस्ट खबरें लगातार जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। दोस्तों, YouTube ने हमें बताया है कि इस चैनल के वीडियोस देखने वाले 77% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा मेहनत कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जेवर एयरपोर्ट से जुड़े 5 अपडेट, जिनमें पहला अपडेट है एयरपोर्ट निर्माण के दूसरे फेज के काम से जुड़ा हुआ। 25 जून 2021 से दूसरे फेज का SIA यानी सोशल इंपैक्ट असेसमेंट शुरू हो चुका है। GBU यानी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी SIA का काम कर रही है। GBU के एक्सपर्ट्स की टीम दूसरे फेज से पड़ने वाले सामाजिक असर का आकलन अगले 3 महीने में पूरा कर लेगी। इसकी रिपोर्ट बनाकर वो यीडा को सौंप देगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का SIA भी GBU ने ही किया था, अब दूसरे फेज का SIA होगा। SIA यानी सोशल इंपैक्ट असेसमेंट वो प्रक्रिया है जिसमें यह अंदाजा लगाया जाता है कि किसी योजना का समाज पर क्या असर पड़ेगा। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे फेज के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन अक्वायर की जानी है। SIA में यह पता लगाया जाएगा कि अक्वायर की जाने वाली जमीन पर रहने वाले लोगों के जीवन पर अधिग्रहण से क्या बदलाव आएगा। SIA के कई फायदे होते हैं, इससे प्रशासन की जवाबदेही तय होती है, स्थानीय भागीदारी तय होती है, योजना की कमियों का पता चलता है और सभी स्टेक होल्डर्स का पक्ष सामने आता है। जेवर एयरपोर्ट के लिए पहले फेज में 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था जिससे 3003 परिवार प्रभावित हुए थे। विस्थापित परिवारों के रहने के लिए 48 हेक्टेयर जमीन पर एक टाउनशिप बसाई जा रही है। प्रभावित परिवारों को दिए गए मुआवजे और पुनर्वास पर लगभग 4500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसी तरह दूसरे फेज के लिए भी काम होना है, उसके लिए SIA शुरू हो गया है। दूसरे फेज में 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। दूसरे फेज में जिन किसानों की जमीन अक्वायर की जाएगी उन्हें 2890 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी दूसरी खबर यह है कि यूपी सरकार ने पहले फेज की 1334 हेक्टेयर जमीन को लीज पर देने के लिए स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्ज में छूट दे दी है। ये जमीन सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के नाम दर्ज है और इसे नियाल यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को लीज पर दिया जाना है। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी तीसरी बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने इस प्रोजेक्ट को लेकर समय समय पर जरूरत के हिसाब से फैसले लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिया है। यानी अब मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जेवर एयरपोर्ट से जुड़े फैसले लेने के लिए ऑथराइज कर दिया है। इससे एयरपोर्ट पर फैसले तेजी से होंगे और काम में भी तेजी आएगी। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी चौथी बड़ी खबर यह है कि नोएडा एयरपोर्ट और भारतीय मौसम विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत एयरपोर्ट को विश्व स्तरीय मौसम की जानकारी हासिल होगी। इससे एयरलाइंस और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी मदद मिलेगी और हवाई यात्रा संचालित करने में भी सहूलियत होगी। इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ी 5वीं खबर यह है कि नोएडा अथॉरिटी ने एयरपोर्ट के लिए 1084 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दे दी है। अब तक नोएडा अथॉरिटी जेवर एयरपोर्ट के लिए 1649 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दे चुकी है।